गोली मार देनी चाहिए अब मेरे से बेटर आई थिंक जीना एंड नैंसी मेरे साथ इस वक्त जो कि राइफल शूटर्स है नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं ये अगर मैं बात करूं इनके इंटरनेशनल और नेशनल एक्ट की तो भाई ढेर सारे मतलब कि पांच पांच से ऊपर तो इन्होंने आई थिंक नेशनल लेवल के अवार्ड्स इन्होंने जीते हुए हैं और इंटरनेशनल की तो कोई बात ही नहीं है तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है जीना एंड नैंसी गुड मॉर्निंग जीना नैन्सी कैसे हैं आप हाय गुड मॉर्निंग बढ़िया हम आप भी सुनाइए है, कैसे हैं बहुत ही बढ़िया तो मैं जैसे कि आपकी प्रोफाइल देख रही थी जीना आपने छ इंटरनेशनल मेडल्स जीते हुए हैं और दस नेशनल लेवल के आपने मेडल्स जीते हुए हैं और कोई ऐसा आई डोंट थिंक कोई चैंपियनशिप अवार्ड होगा जिसको आपने कोई मिस किया हो तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि जब कोई लड़का आपको छेड़ता है तो आप सबसे पहले उन्हें गोली मारती हैं या फिर आंखों से उनको उनके ऊपर अटैक करती हैं इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है <laughs> <laughs> वो कहते हैं ना फीमेल सनी दियोल का वो जो वाइब होता है ना आई थिंक उससे ही लोग डर जाते होंगे कि जब हाथ में बंदूक कोई देखता है तो आई थिंक किसी की जरूरत ही नहीं होती होगी आपको छेड़ने की है कि नहीं हाँ जी हमारे पास हमेशा एक केस रहता है हमारा वेपन का तो वो पूछते हैं कि कहीं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है नहीं मैं क्या वेपन है फिर वो जाते हैं राइट <laughs> right. तो जीना नैन्सी मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप बडिंग वो कहते हैं ना यूथ हैं और स्पेशली जहां पर राइफल शूटिंग की बात आती है तो वहां पे आप एक इंस्पिरेशन है बीइंग द नारी शक्ति आप आ, लोगों को इंस्पायर कर रही हैं राइफल शूटिंग अपनाने के लिए तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राइफल शूटिंग करने का आपके दिमाग में कैसे आया मतलब ये करियर परस्पेक्टिव से कैसे आप दोनों ने सोचा आ, मुझे गोलियां चलाने का ना बचपन से ही शौक था मुझे अच्छी okay. थी उन, उनकी आवाज जैसे फिर हुँ. फिर हमारे स्कूल में रेंज थी शूटिंग रेंज हुँ. फिर, हुँ. फिर वहां से फिर वहां से मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी ओके okay. ओके okay. क्या बात है और रजीना आपका कैसे ये जर्नी रही राइफल शूटर Uh, कि और कैसे शुरुआत हुई और आज आप जैसे नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स खेल चुकी हैं तो क्या वो जर्नी रही जरूर जानना uh, मैंने भी same, भी सेम uh, मेरे मेरे स्कूल में एक्चुअली थी जो प्रिंसिपल थे उनकी वजह से मैंने भी शुरू किया एक्चुअली uh, मेरे ग्रैंडफादर वाज लाइक कि भाई कुछ तो कर जी, <laughs> so, uh, जी.

छह साल हो चुके हैं अरे वाह अरे वाह क्या बात है आ, जो आपकी शूटिंग है ना राइफल शूटिंग वो देखने में और सुनने में तो बहुत ही दिलचस्प लग रही है लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि जीना और नैन्सी आपको अपनी आ, जो एयर राइफल का जो आपका ये स्पोर्ट है आपको सबसे मजेदार कौन सा पार्ट लगता है कौन सा प्रोसेस लगता है वो जानना चाहूंगी मुझे मेरे शूटिंग प्रोसेस में एक्चुअली सब कुछ ही बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक एक्साइटमेंट और एक नर्वसनेस का जो मिक्सचर रहता है मैच में वो एक अलग ही लेवल का होता है <laughs> तो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द मैच टू द एंड ऑफ द मैच एक वो जो लेवल पे मैं एक्साइटमेंट uh, रहती है एक वो एक मुझे जो यू uh, नो you know, अंदर से खुशी होती है मैच करते हुए uh, uh, हर एक शॉट में uh, तो मैं उस चीज को बोलना वो मेरे लिए सबसे और एक दिलचस्प बहुत ही सिचुएशन होती है जी, तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में कि किस तरीके से क्योंकि हमेशा आ, कुछ कई बार चूक भी जाता होगा निशाना और कई बार लग भी जाता होगा तो वो सारा मुझे आपसे प्रोसेस जानना है बिकॉज

फ्री uh, होके चलना पड़ता है हर एक शॉट में रिलीज करते हुए क्योंकि वो एक बहुत स्प्रिट uh, सेकंड का मोमेंट होता है दो तीन सेकंड का जिसमें आपको वो चलाना होता है और uh, तो बहुत ही फोकस बहुत ही मेंटली आपको बहुत ज्यादा पावर आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा लगता है मेंटली हुँ, हुँ. तो जब एक बार आपका जब निशाना बिल्कुल बुलजाय पे हिट हो जाता है तो उसके बाद वो फीलिंग आ जाती है कर हर मैदान फतेह मतलब चकते <laughs> कुछ बोलती कि... है उसके बाद नहीं एक्चुअली क्योंकि मैच पूरा शॉट्स का होता है तो थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है

एकाग्र करती हैं नंबर वर्ल्ड नंबर वन बनने के लिए और ये सीक्रेट आई थिंक हम सब जानना चाहेंगे मैच hmm, से पहले मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ तो okay. तो वो बहुत हेल्प भी करती है मैच में अगर प्रेशर आए तो hmm, अगर hmm. और अगर मैच के बीच में ही हमारा फोकस जा रहा है तो मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ ओके okay. तो फिर मैं किसी और चीज okay. के बारे में सोचने लगती हूँ तो 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 जी फिर ठीक होता है तो फिर ठीक अच्छा, तो हो जाता है आई थिंक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है क्योंकि आप ऑफ तो, कोर्स वहां से भाग तो सकते नहीं है लेकिन आपको एक ब्रेक चाहिए होती है तो बहुत ही अच्छा तरीका है जीना मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप प्रिपेयर करती हैं बिफोर अ टूर्नामेंट मैं एक्चुअली मैं थोड़ा एक जैसे आप बोलते हैं ना कि मेंटली एक पिक्चर बना के चलती हूँ कि हाँ मुझे ये थॉट्स रखने हैं या ऐसे रखने हैं तो मैं हाँ। वो सब कुछ लेके चलती हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा इजी होगा कि मुझे एक आ, फोकस जो रहता है मेरा तभी रहता है अगर मैं कुछ एक डिफरेंट ऑब्जेक्टेड और तो, डिफरेंट टॉपिक पे एक मेरा फोकस रहे मेंटली जी जी तो, थर्ड पार्टी जैसे बोलते हैं ना हाँ। हाँ। तो एक ज़ोन आउट होने वाला जो काम होता है मेरा थोड़ा ज्यादा ना सबकॉन्शियस वाला हाँ। राइट राइट मतलब लिटरली आप किसी और दुनिया में खो जाती है तो किसका सपना किसका लेती है वो हम जरूर जानना चाहेंगे आ, मैं अपनी शूटिंग का ही ही सपना चल रहा होता है है ऐसा कुछ खास राइट राइट आई थिंक बहुत अच्छी टेक्निक जो आपने आज डिस्कस करी क्योंकि अपने आप को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है और वैसे भी वो कहते हैं कि प्रेशर वगैरह से तो वैसे भी काम खराब ही होता है कुछ अच्छा तो होता नहीं है तो अपने आपको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है हर शिष्य के साथ साथ एक गुरु गुरु होता है तो इस वक्त मेरे साथ गुरु भी हैं इन दोनों प्लेयर्स के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के इस वक्त मेरे साथ है मिस्टर दिनेश कुमार जी जो एक मेंटर हैं जीना और नैन्सी के तो नमस्कार सर आपका मैं स्वागत करती हूँ सिटी लाइफ पर और सबसे पहले तो आप अपनी सीढ़ी जो है ना आपने अपने साथ में पास में रखी हुई है उसको थोड़ा सा और पास कर लीजिए क्योंकि इसी सीढ़ी पर ही चढ़ के आपके जो ये टॉप नॉच खिलाड़ी हैं ये और ऊंचा जाने वाले हैं है। मैम सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों ने हमें इनवाइट किया अपने रेडियो स्टेशन पे 107.8 रेडियो एफएम पे मैम इन बच्चों की जर्नी जो मैंने सुना है देखा है स्टार्टिंग से बड़ी ही बहुत ही संघर्ष की जर्नी रही है इन्हीं बच्चों की नहीं मैं देख रहा हूँ कि अपने इंडिया में जितने भी प्लेयर्स हैं जो कि ओलंपिक्स तक पहुंचे हैं जो जिन्होंने इंटरनेशनल इतने ज़्यादा इंटरनेशनल खेल लिया और यहाँ तक कि बेसिक्स लेवल पे भी जो एक बिगनर लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल पे और एलिड प्लेयर भी जो भी है सभी मेहनत करते हैं और उनके साथ उनके जो बेसिक्स कोच होते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं वहाँ से भी सभी बच्चे मेहनत करते हैं वहाँ से तो एक ज़्यादा मेहनत लगती है उन कोचिज़ की उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बढ़ते रहते हैं कई बार होती है प्लेयर्स की मैम होता है ना कि जहां पे थोड़ा सा बच्चे को एक कंफर्ट महसूस हो कंफर्ट इन द सेंस जैसे स्पोज करो कोई ऐसी एकेडमी हो जहां पे एक माहौल अच्छा हो जहां पे जैसे ई एस टी टारगेट हम कंप्यूटराइज टारगेट की बात करते हैं जहाँ पे बच्चे अपना जो उनका नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे मैच होते हैं तो वहाँ पे वो अच्छे काफी मात्रा में हो या वहाँ पे वो अच्छे से ट्रेनिंग का माहौल हो पाए ट्रेनिंग अच्छी हो वहाँ पे और इंटरनेशनल प्लेयर उनके साथ हो कुछ बच्चों के जैसे गवर्नमेंट के साथ स्कीम्स के साथ खेलो इंडिया जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट ने किया हुआ है अपने खेल मंत्रालय ने स्पोर्ट्स को कितना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं हमारी फेडरेशन जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है वो हमारे प्लेयर्स को प्लेयर्स के लिए क्या नहीं कर रही आज के दिन हर प्लेयर्स के साथ खड़ी रहती है हर टाइम उनको जब भी जरूरत पड़ती है आप एक एक बेसिकली छोटा सा फोन करो आप अपने फेडरेशन में अपने एसोसिएशन में तो उन बच्चों के काम रुकते नहीं है जो होने लायक है वो तुरंत हो जाते हैं और जी। बहुत ही अच्छा प्रोसेस जो कर रखा है फेडरेशन चला कर रही है अपना जो सिलेक्शन पॉलिसी है हर चीज को लेके फेडरेशन आज बच्चों के साथ खड़ी है और बच्चे हमारे शूटिंग स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो मैम इंडिया में हर साल शूटिंग स्पोर्ट्स के सबसे ज्यादा मेडल आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे आप देख सकते हो पीछे के सारे रिकॉर्ड उठा सकते हो जितने भी वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप जितने भी इंटरनेशनल हुए हैं कॉमनवेल्थ में तो आप देखोगे कि हर साल सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ में ही मेडल आते थे आ, किसी का हटा दिया था लेकिन अभी दोबारा रिज्वाइन किया है शूटिंग स्पोर्ट्स को तो अच्छी बात है ये इसके बाद में इनकी अगर हम मेहनत की बात करें बच्चों की नैन्सी और जीना आज है हमारे साथ है जुड़े हुए हैं मैं तो क्या मैं मेरे से पहले ये बहुत एक्सपर्ट है अपने शूटिंग को लेके मैं तो एज ए इनको जो भी जरूरत पड़ती है मैं इनकी ही नहीं और भी प्लेयर्स जो भी मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है सोलह सत्रह साल का तो मैं पूरा हुँ. वो इनके साथ शेयर करता हूँ मैं बताता हूँ इनको कि बेटा ये चीज ठीक है ये गलत है ऐसा करो ऐसा करो तो वो एक हुँ. बच्चे को समझ आती है ये बच्चे हैं जो भी होते हैं मैम ये सारे एज से फर्क नहीं पड़ता वो थर्टी फाइव ईयर का है या फोर्टी ईयर का है वो प्लेयर है तो वो एक बच्चा ही है एक कोच के लिए और उनको एक सही शिक्षा देना एक सही सलाह देना वो एक के, कोच की बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी होती है तो बस मैं भी एक छोटा सा अपना सहयोग इन्हीं के साथ वही कर रहा हूँ और जी। जी मैम तो दिनेश जी एक बात है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिंदगी में ना सुबह एक उठने का एक मोटिव होना चाहिए जो कि, कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे इस बात पे बिल्कुल आपने ठीक बोला कि एक प्लेयर्स के लिए एक मेंटोरशिप का होना बहुत जरूरी है वो चाहे प्लेयर शूटिंग का हो या वो प्लेयर आ, किसी और स्पोर्ट्स का हो और प्लेयर्स ही नहीं हर बच्चे के साथ एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है मेंटोर उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं मेंटोर कोई कोच भी टेक्निकल कोच भी हो सकते हैं मेंटोर कोई भी हो सकता है बट उन बच्चों को एक सही दिशा दे दशा और दिशा दोनों हाँ, हाँ, की ही ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे और बेसिकली मेरा जो समझ है मैम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सबसे ज़्यादा जो बच्चों को एक चैंपियन बनाते हैं और चैंपियन बनते हैं जब वो प्लेयर तो सबसे ज्यादा एक पेरेंट्स का रोल होता है वहां पे एक माता पिता और उनके पूरे फैमिली का एक रोल होता है वहां पे बाकी तो सब है ही कोच का बहुत बड़ा रोल होता है मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है आप फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है एक चैन है उसके साथ साथ ए, बच्चों के साथ जो उनके बाकी के स्पो, जो स्पोर्टिंग स्टाफ होते हैं मैम उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उनके फीजियो हो उनके स्ट्रेंथ कोच हो गए उनके न्यूट्रिशंट हो गए ये भी एक बहुत बड़ा रोल होता है उनका भी अगर बच्चा ठीक से खा नहीं पा रहा है या खा भी रहा है तो उसको लग नहीं रहा है तो एक न्यूट्रिशन की उसको पक्का सलाह लेनी चाहिए अः मैं ही अपने आप को कहूं कि मैं ही बेटा नहीं ये खा ले वो खा ले तो वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे जो बच्चा पहुंचना चाह रहा है एक ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं जो शूटिंग स्प, का का है, और ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल लेके आए यही एक, एक सपना और, है बिल्कुल और दिनेश जी मैं साथ ही में साथ ही साथ आपसे पूछना चाहूंगी कि लगभग मैं सिर्फ एयर राइफल की बात नहीं कर रही हूँ शूटिंग स्पोर्ट की हम बात करते हैं अगर कोई अपना अपने आप को शूटिंग स्पोर्ट में आ, देखता है अपना फ्यूचर देखता है तो किस हद तक वो सही है दिशा और अगर हम इनकम की बात करें तो किस लेवल तक आ, वो जो प्लेयर है अपना इनकम कमा सकता है थोड़ा सा मुझे आप फाइनेंशियल साइड भी एक्सप्लेन करें क्योंकि साथ ही साथ चलती है साथ में स्पोर्ट का लव तो होता ही है लेकिन फाइनेंशियली भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना आई थिंक वो भी साथ ही साथ चलता है तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस दे पाए राइट right, मैम आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया है जो कि बहुत से प्लेयर है जो जो कि बिगनर है बिल्कुल या जो शूटिंग स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहते हैं और शूटिंग स्पोर्ट्स में मैम बहुत इवेंट अलग अलग होते हैं रेंजेज अलग अलग होती है हर इवेंट्स की अगर हम राइफल शूटिंग में ही बात करें तो टोटल शूटिंग में तीन हम बात करेंगे इवेंट्स की जिसमें राइफल शूटिंग होती है पिस्टल शूटिंग होती है और शॉटगन शूटिंग होती है इनमें अलग अलग अपनी कैटेगरियाँ होती है और अलग अलग इनमें भी रेंजिज होती है जैसे कि टेन मीटर एयर राइफल होती है जिसका डिस्टेंस टेन मीटर होता है रेंज का उसके अलावा आ, अपना राइफल की अगर बात करें तो टेन मीटर राइफल होती है फिफ्टी मीटर राइफल होती है और एक थ्री हंड्रेड मीटर भी राइफल इवेंट होता है बट वो अभी इंटरनेशनल लेवल पे और अभी उसका इतना वैल्यू नहीं है क्योंकि वो ओलंपिक्स में जो है हम उन्हीं इवेंट्स की बात करेंगे तो टेन मीटर एयर राइफल और फिफ्टी मीटर राइफल की अगर हम बात करते हैं तो थोड़े से मैम कॉस्टली पड़ता है फिफ्टी मीटर इवेंट क्योंकि उसमें जो uh, हम पॉइंट टू टू का जो एमओ यूज करते हैं एमनेशन जो राउंड हम बोलते हैं वो यूज करते हैं वो काफी थोड़ी उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है uh, इंडिया में भी बनता है बट उनकी जो वेलिस्टी और एक्यूरेसी वो इतनी अच्छी नहीं होती है एक के एफ करके अपना है जो कि राउंड आता है ज, आ, ये टेक्निकली फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा हम शॉर्ट में बात करेंगे कि 50 मीटर इवेंट थोड़ा महंगा पड़ता है थोड़ा नहीं काफी महंगा पड़ता है उसका अगर इंपोर्ट करवाते हैं तो आ, स्टार्टिंग में बच्चा इंपोर्ट भी नहीं करवा सकता तो वो अगर किसी से लेते भी है तो वही ये अठारह पंद्रह या बीस रुपए का समथिंग एक स्टार्टिंग में राउंड पड़ता है टेन मीटर एयर राइफल की अगर बात करें मैम हम तो वहां पे एक जो पैलेट्स बोलते हैं उसको जैसे हम उनको राउंड बोल देते हैं है, तो जो पैलेट्स आता है वो समथिंग या डेढ़ रुपए का समथिंग पड़ता है वो भी ये ये सारे जो आते हैं हम बाहर से ही खरीदते हैं जर्मनी वगैरह के या अलग अलग कंपनियां हैं इनकी तो उन कंपनियों से हम लेते हैं जो जी, हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं बट वो डीलर्स के थ्रू लेते हैं तो एयर राइफल थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है अगर हम बेसिकली ट्रेनिंग को लेके बात करें तुम्हें ओके okay, तो मतलब ये बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि ये इकोनॉमिकल है और अगर कोई स्टूडेंट है डेफिनेटली या फिर कोई फाइनेंशियली इतना नहीं इन्वेस्ट कर पाता या कर सकता उस टाइम पे तो ये आप कह रहे हैं कि ये फीजिबल है कि वो एयर राइफल या फिर शूटिंग स्पोर्ट में अपना करियर देख सकते हैं है, राइट बिल्कुल ठीक है मैम देखो शूटिंग स्पोर्ट्स महंगा जरूर है क्योंकि लेकिन इतना महंगा भी नहीं है जितना हम एक कई बार कुछ सोच लेते हैं पेरेंट्स कोई भी कर सकता है अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्टार्टिंग जो मैंने स्टार्ट किया था एनसीसी के थ्रू स्टार्ट किया था तो बहुत से प्लेयर है इंडिया में जो इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं एनसीसी को एनसीसी बड़ा सपोर्ट करती है जब बच्चा पढ़ता है स्कूल टाइम की अगर हम कॉलेज टाइम की बात करते तो एक सबसे बड़ा स्पॉन्सर एनसीसी होता है वो वहां पे आप शूटिंग स्पोर्ट्स वो एक प्लेयर को हर एक मतलब एनसीसी कैडेट्स को करवाते हैं वहां पे आपको अपना थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से सुनना पड़ेगा जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ जो कोच होते हैं फौजी उनकी बात समझनी पड़ेगी और आप उसको आ, करोगे तो आपका रैंकिंग आ जाएगा वहां पे दस या पंद्रह बच्चों को सिलेक्ट करते हैं फिर आप आगे जाके फिर और भी आ, अच्छा कर सकते हो तो वो कुछ एक उनका दायरा होता है कि भाई ये एक सिलेक्शन पॉलिसी होती है कि इतना ग्रुप बना दिया तो आगे, आगे आप खेलोगे तो ऐसे आगे इंटर ग्रुप होता है इंटर डायरेक्टेट होता है फिर नेशनल तो ये एक चैनल एनसीसी का भी है जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं कोई एक चार्जेस नहीं लेते उसके बाद अगर सेल्फ भी करना चाहे आजकल तो बहुत अच्छी सुविधाएं होगी मैम हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग जो मैंने देखा है सुना भी है कि अकेडमिया एक नहीं दो दो अकेडमिया होगी है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ प्लेयर है जो दो तीन चार नेशनल खेल लेते हैं उसके बाद वो सोचते हैं कि बहुत से कारण्स होते हैं सबके कि वो सभी इंटरनेशनल नहीं खेल पाते हैं और कुछ घर की प्रॉब्लम्स होती है कुछ खुद का भी बहुत से अलग अलग सबके हो सकते हैं तो जो जिनका करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो वो उन अकेडमियों में ज्वाइन करो जो नियर बाई उनके पास में डिस्ट्रिक्ट में है या उनके डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होंगे पास वाले डिस्ट्रिक्ट में होंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहां जाके और वो आपको सेम देखो बेसिक्स लगभग सेम होते हैं शूटिंग स्पोर्ट्स के तो सब बेसिक्स उनको पता होता है वहां जाके वो जैसे वो बेसिक्स बताए उनपे ध्यान देना है उनपे आप उन प्लेयर्स को डेली मेहनत करनी है और हाँ। बस डिपेंड करता है कि वहां जाके टाइम पास ना करो स्टार्टिंग में जोश के साथ जाते हैं शूटिंग करना है वहां जाके फिर टाइम पास करने लग जाते हैं या वो कोई और ही अपना कुछ ना कुछ अलग अलग चुन लेते हैं कि कोई बस ठीक है इंजॉय हो रहा है घर वालों को पता है शूटिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली अगर सपना लिया है कि मुझे शूटिंग स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है अभी इस बार ओलंपिक्स में देखो आप इंडिया के मेडल्स तीन मेडल्स आए हैं सबसे ज्यादा मेडल्स इंडिया के शूट ओलंपिक्स में शूटिंग स्पोर्ट्स के ही है मैंने आपको पिछले बताया था कि इंडिया के शूटिंग स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा मेडल्स आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो क्या आप बार? देखो कि उसका बड़ा फर्क पड़ता है कि जब मेडल्स आते हैं तो पेरेंट्स करवाना चाहते हैं कि हम भी करवाए बट उनको सही सलाह और सही शिक्षा मिलना जरूरी है बस कुछ एक पेरेंट्स बोलते हैं कि सर बहुत महंगा बताते हैं इतना तो तुम कर ही नहीं पाओगे बट ऐसा कुछ नहीं है आप अपनी में जाओ उनसे बात करो कि सर हम इतना खर्च कर सकते आप बताओ अकेडमी के कोचेज हेल्प कर देते हैं उनको लगता है कि ठीक है बच्चा कर सकता है इंटरेस्ट दिखा रहा है जहां उनके किसी ने तीन हजार रुपए फीस रख रखी है किसी ने दो हजार मंथली रख रखी है किसी ने फाइव थाउजेंड रख रखी है तो अलग अलग सबका डिपेंड करता है कि ए, उनके पास इक्विपमेंट क्या है कि क्योंकि उन्होंने काफी खर्चा किया होता है तो वो एक अलग चीज होगी बट फिर भी हेल्प करते हैं कि ठीक है हम आपकी हेल्प कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं है सब शूटिंग स्पोर्ट्स कर सकते हैं कोई कहते हैं कि मुझे स्पेक्स लगे है, क्या मैं कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकते हो बहुत से हाँ, प्लेयर है इंडिया हाँ. में जो इंटरनेशनल लेवल के अच्छे प्लेयर है जो स्पेक्स यूज करते हैं वो एक मोनोफ्रेम टाइप में आप वो राइफल के साथ भी लगा सकते हो या अपने स्पेक्स लगा सकते हो स्पेक्स में भी आप वो यूज कर सकते हो बट आप कोई राइफल शूटिंग हो या पिस्टल शूटिंग हो उसमें कोई स्कोप यूज नहीं कर सकते उसके ऊपर वेपन के ऊपर बट मोनोफ्रेम आप अपनी आग के हिसाब से वो लगा सकते हो वो आप कर सकते हो जो ग्लास है आपका साइड का तो अलाउड है बिल्कुल सर बिल्कुल और वो कहते हैं ना कि अगर आपको बंदूकों से खेलने का शौक है और दिल में जज्बा है कुछ कर दिखाने का तो आई थिंक शूटिंग स्पोर्ट आपके लिए बिल्कुल सही स्पोर्ट है और अगर दिनेश जी जैसे मेंटर हो तो डेफिनेटली एक सही गाइडेंस आपको मिलेगी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बेनिफिट्स हैं एयर राइफल शूटर बनने के और आ, अगर कोई स्कॉलरशिप्स हैं या फिर किस तरीके के बेनिफिट्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर अगर कोई एयर राइफल शूटर बनना चाहे आ, तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो आप जरूर बताएं जी जी इसमें एक्चुअली हमारे पास गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स रहती हैं और जैसे कि खेलो इंडिया है गवर्नमेंट का और uh, क्या बोलते हैं जैसे प्राइवेट में ओजीक्यू वगैरह हैं सब लोग तो उनके अपने अपने इयरली बेस्ड या फिर जैसे खेलो इंडिया का आठ साल का प्रोग्राम चला रहे हैं वो दैट इज वेरी गुड बिकॉज दे सपोर्ट आपको अकैडमीज मिल जाती हैं इक्विपमेंट सारा दे देते हैं ट्रैवल का आपका वो सब करते हैं इवन विद स्पोर्ट्स आपके बेनिफिट काफी होते हैं क्योंकि आपको एक कोटा uh, होता है कॉलेज का जी, एक देर लॉर्ड विद्जाम ये है टॉपिक आपको इतना चाहिए पढ़ने का एंड आराम से आप एग्जाम्स दे सकते हो सबको क्यूँकी एक पेरेंट्स का एक टेंशन रहती है की स्पोर्ट्स के साथ बच्चा पेपर कैसे देगा स्कूल कैसे जी, देगा बिल्कुल डेफिनेटली वो बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल स्टाइल जीना भी बहुत जरूरी है एज अज अ पेरेंट बहुत कुछ सोचना पड़ता है फॉर देयर फॉर देयर चाइल्ड है ना लेकिन साथ में मुझे आपसे ये भी जानना है कि आप गोल्ड मेडल तो जीतती हैं गोल्ड तो जीतती हैं लेकिन साथ में कितना आपको मतलब uh, किस तरीके का कैश प्राइज अवार्ड मिलते हैं बिकॉज आई थिंक वो भी एक बहुत मोटिवेशन क्रिएट uh, करता है स्पेशली जो यंग प्लेयर्स हैं या फिर जो राइफल शूटिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं जी एक्चुअली कैश प्राइजेज हर स्टेट का अपना अपना रहता है जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से आ, बाकी तो आई ज़्यादा बता पाएंगे क्योंकि वो हरियाणा से हैं <laughs> जी तो अगर आप जब गोल्ड मेडल अगर कुछ जीतती हैं तो उस उस टाइम पे क्या आपको किस तरीके का आपने अब तक कैश प्राइज जीता है और किस तरीके के आपने बेनिफिट्स एंजॉय किए हैं मुझे अगर आप वो बता सकें अगर हम इंटरनेशनल जाते हैं तो हमें टॉप्स टॉप्स भी हायर करता है वो भी मतलब फा, फाइनेंशियली भी और मतलब साइकोलॉजी भी और फिजिक मतलब हर हर तरीके से वो भी सपोर्ट करता है और रिलायंस भी है वो भी जी। वो भी अच्छा सपोर्ट करते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी करती है जैसे कि कैश अवॉर्ड वगैरह अगर हुँ, नेशनल हुँ। मेडल आए और नेशनल भी आए तो वो उसी हिसाब से देते हैं जितने बिल्कुल तो मतलब करोड़ों में खेलते हैं अगर जीत जाएंगे या फिर लाखों में वो किस तरीके का रहता है वो मेडल पे डिपेंड करता है तो मतलब अगर गोल्ड मेडल है तो किस तरीके का अवार्ड होगा सभी स्टेट्स की पॉलिसी अलग अलग होती हैं कोई आ, कोई ज्यादा देता है कोई कम देता है जैसे की मैं हरियाणा स्टेट से हूँ तो जैसे वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप के मेडल आते हैं तो वो लाखों तो वो कुछ लाखों में देते हैं और जैसे और जैसे कि एशियन कॉमनवेल्थ और ओलंपिक है इनमें मेडल आते हैं तो वो करोड़ों करोड़ों में देते हैं जैसे कि गोल्ड मेडल के हमारी स्टेट के तो जी क्या बात है छ करोड़ है हम्म क्या बात है क्या बात है वाजिबा तो आई थिंक सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन काम नहीं आती लेकिन साथ में जो अः हैं जो कि गवर्नमेंट्स दे रही हैं आई थिंक वो भी काबिल तारीफ है तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में थे जीना एंड नानसी जो वर्ल्ड नंबर है वर्ल्ड राइफल की दुनिया में इनके साथ बातें करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा लेकिन अगर आप भी मोटिवेट फील कर रहे हैं अपने आप को आप भी एक एयर राइफल शूटर देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं आप मुझे आरजयिथ्रा के इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर या फिर देशभगत रेडियो के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर आप मुझे मैसेज कर डालें ताकि मैं आपका कनेक्शन करवा सकूं मिस्टर दिनेश कुमार जी के साथ जो जीना एंड नैंसी के मेंटर हैं ताकि आपको भी बिल्कुल टॉप नॉच क्रीम वाली ट्रेनिंग मिले